हेलो फ्रेंड्स हाउ आर यू सो फ्रेंड्स आज मैं लेकर आया हूँ उन्होंने एडमिशन रिलेटेड अपडेट और ये अपडेट निकल गया जे के बो पी के थ्रू और आपको पता है कि जैसे कि बी बी एस पी डी एस की जो काउंसलिंग है वो वेरी सोन स्टार्ट होने वाली है थ्रू जे के बो और इन्होंने जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है उनकी एडमिशन अभी तो इनकी जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है स्पेशल फॉर जे एंड के स्टूडेंट्स वो अभी चल रही है थ्रू ऑनलाइन मोड एट जे के बो वेबसाइट तो इन्होंने आज एक नोटिफिकेशन निकाला रिगार्डिंग द एलोकेशन ऑफ द एम बी बी एस पी डी एस सीट्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्राम सेंट्रल पूल फॉर स्पाउस एंड द चिल्ड्रन ऑफ टेरिसक्टम्स फॉर द अकेडमिक ईयर टू थाउजेंड ट्वेंटी ट्वेंटी टू जो टेरिस्ट विक्ट रह चुके हैं जो बच्चे और उनके जो स्पाउस वो उनके लिए ये नोटिफिकेशन है रिगार्डिंग द एम बी बी एस पी डी एस सीट्स तो इन्होंने इसमें मैंशन किया हुआ है कि इट इज़ नोटिफ फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल द एलिजिबल नीट अंडर ग्रेजुएटी क्वालिफाइड कैंडिडेट्सिडर फॉर द एलोकेशन ऑफ द एम बी बी एस बी डी एस सीट्स ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम सेंट्रल पूल फॉर स्पाउस एंड द चिल्ड्रन ऑफ टेरिस्ट विक्टम्स ऑफ यू टी ऑफ जे एंड के लद्दाख तो जो लोग एम बी बी एस बी डी एस सीट्स के लिए जो चाहते हैं अपने आप कंसिडर करवाना फ्रॉम द सेंट्रल पूल

और आपको सर्वेटेज फोटो कापीज लगानी डोमोसाइल सर्टिफिकेट की ट्वेल्थ पास कार्ड की और डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट की और नीट अंडर ग्रेजुएट टू थाउजेंड ट्वेंटी वन स्कोर कार्ड के लिए फिजिकली आपको जे के बो ऑफिस में जम्मू या श्रीनगर में एज़ पर द फॉर्मेट जो अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंगली उसको फिलअप करके ट्वेंटी फर्स्ट ऑफ जनवरी तक ये सबमिट आपको करना है जे के बो ऑफिस में चार बजे तक और प्रायोरिटी वन टू थ्री उन्होंने तीन मेंशन किए उसको देंगे जैसे चिल्ड्रन हु चिल्ड्रेन बोथ पेरेंट्स हैव बीन किल्ड बाय द टेररिस्ट जो बच्चों के जो पेरेंट्स हैं दोनों को किल्ड कर दिया है टेररिस्ट ने उनको प्रायोरिटी नंबर वन में रखा गया प्रायोरिटी सेकंड में चिल्ड्रन ऑफ फैमिलीज सोल ब्रेड हैव बीन किल्ड बाय द टेररिस्ट जो फैमिली में मेन कमाने वाला जो पर्सन है उनको किल्ड किया गया है टेररिस्ट ने और वार्ड्स ऑफ द विक्टिम विथ पर्मानेंटली डिबिलिटी और सीरियस इंजरी कॉस्ड बाई द टेरिस्ट ऑपरेशन तो टेरिस्ट ऑपरेशन में किसी को पेरेंट्स को सीरियस डिसबिलिटी आई है इंजरी आई है उनके बच्चों को प्रयोर्टी थर्ड में रखा गया कैंडिडेट्स हुआ है बिन ऑलरेडी अप्लाइड अंडर एनी ऑफ दर्टीज नॉट अपलाइड अगेन अगर उन्होंने ऑलरेडी अप्लाई किया और इस प्रॉपर्टीज़ में तो उनको अपलाई तो करने की जरूरत नहीं है और जो कट ऑफ डेटा है इसकी फॉर्म की सबमिशन की वो 21 ऑफ जनवरी है ठीक है टू शल एन अंडरटेकिंग ऑन जुडिशियल पेपर टू द इफेक्ट एट नन ऑफ हिज़ फैमिली मेम्बर्स अवेल्ड एनी बेनिफिट अंडर प्रॉपर्टी वन सेकंड एंड थर्ड इन विच ही एलिजिबल अंडर देंट्रल पूल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको जुडिशरी पेपर में मैंशन करवाना पड़ेगा कि आपकी फैमिली मेबर्स ने ये फैसिलिटी कभी अवेल नहीं की है किसी भी प्रॉपर्टी में वन टू या थर्ड मेंलरेडी अपलाइड अंडी वन सेकेंड थर्ड ऑफ द नोटिफिकेशन थर्टी वन ट्वेल्थ ऑफ नवंबर इशूड जे एंड के बोप आर एडवाइज टू वेट द सीट्स आर लोकेटेड फॉर कैंडिडेट्स ऑफ यूटी जे एंड के लद्दाख हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर अकेडमिक सेशन टू वन टू वी शेल बी नोटिफाइड सेपरेटली तो जिन्होंने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ अंडर द प्लॉटी सेकंड और थर्ड में ट्वेल्थ और नंबर के अराउंड uh, तो उनको भी वेट करने की जरूरत है जब तक एलोकेशन ऑफ द सीट्स नहीं होती कैंडिडेट्स नहीं होते यू टी ऑफ जे एंड के लद्दाख अंडर सेंटर पूल ऑफ जो सेंटर पूल में आते हैं बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ मेयर सबमिशन शेल नॉट बी कॉनफर एनी रू द एप्लीकेशन ऑफ फॉर हिज और हर सिलेक्शन विच शैल बी मेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स तो वो बोले कि इनकी सिलेक्शन होना मतलब इस फॉर्म को बना गारंटी देता है कि आपकी सिलेक्शन होगी होगी ये जस्ट एक प्रोसेस है जो आपको फॉलो करना पड़ेगा उसके बाद ये उन्होंने अपलिकेशन फॉर्म दियाशन फॉर द एलोकेशन ऑफ द एम बी बी एस बी डी एस सीट्स फॉर स्पोर्ट्स चिल्ड्रन ऑफ सिविलियन विक्टम्स ऑफ ठीक है मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी इसको डाल दूंगा अगर आपने मुझे उधर फॉलोअप नहीं किया तो आप उधर भी ज्वाइन कर सकते हो अगर ये पी आपको उधर चाहिए तो मैं उधर शेयर कर दूँगा प्लस जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर भी मैं ये पी शेयर कर दूँगा प्लस आप इंस्टाग्राम आई का भी मैंने मेंशन किया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो ऐट द रेट जे के वैकेंसीज अपडेट करके मेरा इंस्टाग्राम आई डी आप मुझे उधर भी फॉलोअप कर सकते हो तो ये नोटिफिके ये उसका फॉर्म है पी डी एफ फॉर्मेट में तो ये अपने उधर फिलअप करना है सारा डिटेल्स इसमें इसका प्रिंट आउट लेके और, ले और हार्ड कॉपी में डॉक्यूमेंट्स डौक्वें अटैच करके सेल्फ डॉक्यूमेंट्स अटैच करके अपने बोपी ऑफिस में ट्वेंटी तो फर्स्ट ऑफ जनवरी से पहले पहले उधर फिजिकली ये सबमिट कराना है सिग्नेचर आ गया ये कैंडिडेट्स प्लेस डेट आ गया ठीक है और यहाँ पे ये यह इसकी एटेस्टेशन होगी सर्टिफिकेशन की सेक्रेटरी ऑफ होम डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ जो भी आपका होगा और उसमें सील लगेगी और फॉर्मेट जो रहेगा प्रोटी वन ठीक है डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड क्या क्या रहेंगे इसमें प्रोटी वन के लिए एफ रहेगी डेथ सर्टिफिकेट रहेगा पोस्टमार्टम रिपोर्ट रहेगी एफिडेविट रहेगा डेट नो अदर मबर ऑफ द फैमिली हैव है गॉड बेनिफिट ऑफ दिस कैटेगरी फिर अथॉरिटी कौन सी रहेगी एस रहेगा हॉस्पिटल कंसर्न ड्यूली अंडरसाइंड बाय द एस एस पी कंसर्न रहेगा ऑथेंटिकेटेड अथॉरिटी कौन सी एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट होम होम डिपार्टमेंट रहेंगे इसमें ट्वेंटी सेकेंड में भी आपका एफ आई आर डेथ सर्टिफिकेट लगेगा पोस्टमार्टम रिपोर्ट लगेगी सर्टिफिकेट एट द डिस ब्रेड अर्नर एफिड नो अदी हैज़ गॉड बेनिफिट ऑफ दिस कैटेगरी ये मैं चेक करना पड़ेगा अथॉरिटी कौन सी रहेगी एस एच ओर हॉस्पिटल ड्यूली अंडरसाइंड बाई द एस एस पी कंसर्न एंड तहसीलदार कंसर्न रिगार्डिंग द पर्सन किल डेट ही एंड शी इज द सोल ब्रेड अनर ऑफ द फैमिली ये इसकी गवर्निंग अथॉरिटी रहेगी और इसमें फर्दर आपको जो आपको अथेंटिकेटि अथॉरिटी जो रहेगी वो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट रहेगा और प्लॉटी थर्ड में भी आपकी एफ आई आर लगेगी सर्टिफिकेट ऑफ़ परमानेंट डिसेबिलिटी लगेगा सीरियस इंजरी एज़ पर फॉर्मेट अवेलेबल विद द कंसर्न अथॉरिटी उनका एक फॉर्मेट होगा डिसेबिलिटी का वो लगेगा एस एच ओ कंसर्न लगेगा जो अथॉरिटी रहेंगी डूली अंडरस्टैंड बाय द एस एस पी कंसर्न एंड द परमानेंट डिसेबिलिटी एंड द सीरियस इंजरी सर्टिफिकेट बाय द मेडिकल बोर्ड ऑफ जम्मू या श्रीनगर रहेगा और एडमिनिस्ट्रेशन सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट एंड होम डिपार्टमेंट ये इसको ऑथेंटिकेट करेगा तो ये सब चीज़ें इसके साथ लगने वाली हैं तो फ्रेंड्स ये रहा एम बी बी एस बी डी एस सीट्स की जो इंफॉर्मेशन है ये जो नया नोटिफिकेशन निकल रहा है फॉर द सेंटर पूल ऑफ द स्पोर्ट्स एंड द चिल्ड्रन ऑफ टैटिस विक्टम के लिए आई होप आपको ये सब डिटेल में समझ में आ गया एक छोटा सा मैं एक अपडेट आपको और देने वाला हूँ वन सेकेंड तो अकॉर्डिंग टू जो रिजर्वेशन पॉलिसी है फॉर द एम बी बी एस बी डी एस आपका बी एम एस पी एम एस बी पी टी के लिए जो रिजर्वेशन कैटेगरीज़ हैं वो इसके अकॉर्डिंगली इस बार जो एडमिशन्स होंगी फॉर द एम बी बी एस वो इसके अकॉर्डिंग रहेंगी जैसे आपकी जो शेड्यूल कास्ट रहेगी वो आपकी एट परसेंट रिजर्वेशन रहेगी उसकी एस टी की टेन परसेंट रहेगी सोशली आपकी एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास में जो ऑप्शंस रहेंगे वो वीकर एंड अपर प्रवरेज क्लासेस की जो रहेगी वो परसेंटेज फोर परसेंट है ए और आई बी बॉर्डर की भी फोर परसेंट रहेगी रेजिडेंट ऑफ बैकवर्ड आर की जो है वो टेन परसेंट रहेगी पॉलिसी स्पीकिंग पीपल की फोर परसेंट रहेगी आपकी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की टेन रहेगी और फिजिकली चैलेंज पर्सन की फोर रहेगी ठीक है जो इस बार जो सिलेक्शन रहेगी और उसके बाद जो आपकी रिजर्वेशंस हैं आपकी चिल्ड्रन फॉर डिफेंस पर्सन सी बी की जो रहेगी वो जीरो वो थ्री परसेंट रहेगी चिल्ड्रन ऑफ पैरामिलिट्री जेंट के पुलिस पर्सनल की जीरो पॉइंट वन परसेंट रहेगी और कैंडिडेट प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग आउटसाइडिंग ऑफ स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स कोटा टू परसेंट ये रहेगा अकॉर्डिंग टू दिस ये इस बार जो रिजर्वेशन पॉलिसी है वो इम्प्लीमेंट होगी फॉर द सिलेक्शन ऑफ़ एम बी बी एस बी डी एस बी एम एस बी यू एम एस बी पी टी कोर्सेज के लिए तो ये एक अपडेट छोटा सा था जो मैं इसको एडअप करना चाहता था सो फ्रेंड्स आई होप आपको डिटेल में ये सारा uh, समझ में आ गया प्लस जो आप आपका काउंसलिंग शेड्यूल है ये जो काउंसलिंग का जो सीट मैटर्स है फाइनल सीट मैटर जैसे अपलोड होगा वो भी मैं आपको टाइम टू टाइम बताता रहूँगा ऑन माय चैनल और जो लोग फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं मेरे चैनल पे तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल लाइक कीजिए वीडियो को शेयर कीजिए चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ डेली बेसिस में वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ स्पेशली फॉर द जेन के स्टूडेंट्स रिलेटेड टू तो एजुकेशन रिलेटेड टू तो जॉब्स ठीक है और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मैंने मैंशन किया हुआ है और टेलीग्राम चैनल पे भी मेरा जो लिंक है उसको भी मैंने शेयर कर दिया अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लस इंस्टाग्राम आईडी में भी आ, मैंने अपना मेंशन किया हुआ है जेके वैकेंसीज अपडेट करके आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलोअप कर सकते हो सो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर यू एंड सपोर्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में